आदरणीय इंदौर वासियों, कल एक पॉजिटिव कॉज के लिए हम राजबाड़ा पे बैठे थे। चार लोग, तीन विधायक जनप्रतिनिधि थे। मोटिव था कि सरकार ने कोरोना से हाथ ऊंचे कर दिए, इंदौर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं मानता हूं कि ऐसे में इंदौर वासियों को जागना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, लॉकडाउन जैसे नियमों को आत्मसात करना चाहिए। हमारा इंदौर पहले भी जीता है, आगे भी जीतेगा। ये प्रशासन को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हम पे मुकदमे लगा दिए। चार लोग डिस्टेंस के साथ प्रार्थना करना, मंदिर में जाना छूट है शासन की। माँ अहिल्या माता जैसी है, देवी जैसी है, उसके चरणों में हमने प्रार्थना की, उसका भी हमें दंड मिला। कोई बात नहीं, आज भी मेरा ये दंड के साथ एक्सरसाइज के साथ मोटिव है। हम सबको जागना है, रोज़ कुछ न कुछ एक्सरसाइज करना है और मिलकर इस कोरोना को हराना है। इंदौरवासी एकजुट रहे। मैं मानता हूँ कि मैं नेगेटिव बात मनीष सिंह जी से नहीं करना चाहता, वो कलेक्टर हमारे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव माने जाते हैं। हम जनप्रतिनिधि होने के बाद भी उनका सम्मान करते हैं, पर इतना दबाव में अगर आप काम करेंगे, हम पे मुकदमे और इतनी भीड़ के साथ बीजेपी के पूर्व विधायक की घटना को 24 घंटे में अखबारों ने संज्ञान में लिया, उसका बाद मुकदमा, गलत है आपका। मैं मानता हूँ कि आप एक अच्छे अधिकारी हैं, इतने दबाव में काम न करें। मैं मानता हूँ कि इन सब के बावजूद जितने अधिकारी हैं जो घुटने के बल बैठ गए, ये बैठ गए, नीचे बैठे हुए आदमी से नीचे बैठ कर ही बात हो सकती है। किसी का पेन टाइट होता है, किसी के घुटने में प्रॉब्लम होती है, इस तरह का मोटिव बनाना नकारात्मकता है। और ख़ासकर बीजेपी के हमारे साथी, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये लड़ाई पॉजिटिव है, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। मेरी आपने इतनी बात कही हमारी, एक बार सुदर्शन गुप्ता को क्रिटिसाइज कर देते तो अच्छा रहता, सब अच्छा लगता, पर वो ठीक है, वो तो आपकी थोड़ी हो सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम सब इसमें एक हैं। और हाँ, आपने कहा है कि कुणाल चौधरी को लेकर एक अखबार से फ़ोन आया मुझे कि बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि आप कब कराओगे कोरोना टेस्ट। बिल्कुल सही है, जब हम कोरोना से लड़ते हैं तो हम सबको एक जैसा सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं। मैं कुणाल, चूँकि मेरे संपर्क में 8-10 दिन पहले आया था, तो मेरा धन बनता है कि मुझे कराना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं अनुरूप काम करूँगा और खूब हम सब मिलकर कोरोना को हराएं। सिर्फ इतना ही काज है, नकारात्मकता कुछ नहीं। इंदौर वासियों की जय हो, भारत माता की जय।